हेलो नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का जो भी रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है, वहीं इनका जो भी काउंसलिंग प्रोसेस की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन शुरू कर दी गई है। तो किस प्रकार से आप सभी लोग अपने मोबाइल फ़ोन से काउंसलिंग करेंगे और कैसे आप सभी लोग अपने कॉलेज का चयन करेंगे, कैसे आप सभी लोग च्वाइस फिलिंग करेंगे, पूरी प्रोसेस के साथ आज की इस वीडियो में लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, पूरी जानकारी के साथ आपसे बताएंगे किस प्रकार से आप सभी लोग कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे और किस प्रकार से आप सभी लोग एडमिशन ले पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को काउंसलिंग करने के लिए यहाँ पे आना होगा, जो कि बिहार सीट बीएड ऑफिशियली साइट है। यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे आने के बाद आप सभी को लॉगिन वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन वाले सेक्शन में आइएगा, उसके बाद डाउनलोड रिजल्ट पे क्लिक कीजिएगा। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिए तो जो भी आप सभी का यूजर नेम और पासवर्ड है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक साइन इन बटन को ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस साइन इन बटन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप सभी का जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड होगा वो डालेंगे, जो भी आप सभी का लॉगिन आईडी होगा वो ईमेल आईडी होगा, और जो भी आप सभी लोगों ने फॉर्म फिल करते समय आप लोगों ने पासवर्ड बनाए होंगे वो डालेंगे। उसके बाद जैसे ही डाल लेते हैं तो सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। देन आप सभी लोग जैसे ही आप सभी लोग सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आप सभी को कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे आप लोगों का एक रजिस्ट्रेशन च्वाइस फिलिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे व्यू योर्स डिटेल और रिजल्ट, यदि आप लोगों ने अभी तक अपना रिजल्ट को प्रिंट आउट नहीं निकाला है तो यहाँ से आप लोग रिजल्ट को प्रिंट आउट निकाल करके रख सकते हैं, क्योंकि आगे इनकी आवश्यकता बढ़ेगी। वहीं इनका यदि आप लोग फॉर्म का प्रीव्यू फॉर्म का डाउनलोड नहीं किए हैं तो वो भी इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो चलिए आप सबको आगे क्या करना है उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर च्वाइस फिलिंग एंड प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप सभी को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सभी को एप्लीकेशन आईडी रहेगा, कोर्स रहेगा, उसके बाद यहाँ पे आप सभी लोग ऑप्टेनेट मार्क्स जितना भी आया हुआ वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं CML रैंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। CML रैंक पे मैंने आप सभी को वीडियो बनाया हुआ है, क्या होता है CML रैंक, किस प्रकार से आप सभी का CML रैंक काम करता है, उस पर भी मैंने आप सभी को वीडियो बनाया है। वो नहीं देखें तो आप सभी लोग जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गो फॉर कॉलेज प्रेफरेंस, यहाँ पे आप सभी को ऐड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आप सभी को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यानी कि जो भी आप सभी का कॉलेज है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप सभी को दो ऑप्शन दिखाई दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम बताया गया कि एप्लीकेशन हैव टू सेलेक्टेड लेटेस्ट 3 कॉलेज, यानी कि कम से कम आप सभी लोग 3 कॉलेज का चयन करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन कैन सेलेक्टेड मैक्सिमम 9 कॉलेज, यानी कि अधिकतम आप सभी को 9 कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है और कम से कम 3 कॉलेज का चयन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट कर लेना है कि किस यूनिवर्सिटी से आप सभी लोग कॉलेज वाइज एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यूनिवर्सिटी का नाम दे, तो यहाँ पे आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी यूनिवर्सिटी है उसका नाम ढूंढ लेंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप सभी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। उसके बाद जो भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं वो यहाँ पे आप सभी को सारे कॉलेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग अपने आसपास के जो भी कॉलेज हैं आप सभी के वो यहाँ पे चूज कर लेनी है। तो कम से कम आप सभी को 9 कॉलेज चूज करना है, यदि आप लोग का कम रैंक है तो अधिक से अधिक कॉलेज का चयन करें, जिससे कि आप सभी का एडमिशन होने का चांस है वो बहुत हो जाए। यदि आप लोग का अच्छा रैंक आया हुआ है तो भी आप लोग कम से कम ही चुनेंगे तो भी आप सभी का एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आप सभी लोग जैसे ही कॉलेज को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप सभी लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है ऐड टू लिस्ट, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप सभी का जो भी कॉलेज का चयन है वो हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सभी कॉलेज यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो बारी बारी से उसी प्रकार आप सभी लोग जितने भी कॉलेज का चयन करना चाहते हैं वो चयन कर सकते हैं। यदि आप लोग को लगता है जो भी मैंने कॉलेज चयन किया है वो यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक आप लोग को डिलीट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप सभी लोग जो भी कॉलेज चूज किए हैं उसे डिलीट भी कर सकते हैं। देन आप सबको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना, यानी कि चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना। सेव पे जैसे क्लिक कीजिएगा जो भी सारी डिटेल है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद फिर से आप सबको बैक आना है और डैशबोर्ड में चले आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आप सबका जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रिंट आउट को देखने के यहाँ पे एक डैशबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक डैशबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस डैशबोर्ड पे क्लिक करके जो भी होम पेज है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप सभी को बता दें इनमें आप सभी को क्या करना है। तो अब यहाँ पे आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन एंड च्वाइस फिलिंग कर चुके हैं, अब आप सभी को इनमें पेमेंट करना होगा। तो कॉलेज प्रेफरेंस पेमेंट, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिए तो जो भी पेमेंट का मोड है वो खुल करके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग इनमें पेमेंट में आप सभी लोग ऑनलाइन टाइप कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कैटेगरी वाइज पेमेंट देखने को मिलेगा। यदि आप लोग SC ST से आते हैं तो 750 रुपये पेमेंट करना होगा। यदि आप लोग जर्नल कैटेगरी से आते हैं तो आप सभी को 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा।
बाद आप सभी लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड टू पे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर ले। इस पे जैसे ही क्लिक किया जाए तो जो भी आप सभी का डेबिट कार्ड और UPI और जो भी आप सभी का पेटीएम का लिंक है वो सारे ऑप्शन देखने को मिल लेंगे। उसके अनुसार आप सभी लोग जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं तो उस तरीके से आप सभी लोग पेमेंट कर लेंगे। उसके बाद पेमेंट करने के बाद अपना प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो आप सभी का जो भी रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग है वो कम्प्लीट हो जाएगा। सो इस प्रकार से आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन एंड च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को वेट करना है अलॉटमेंट लेटर जारी करने का। तो अलॉटमेंट लेटर जो भी जारी किया जाएगा वो 9 मई को जारी किया जाएगा। इसमें आप सभी का यदि फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर में आप सभी का नाम आता है तो उसमें आप सभी का जो भी कॉलेज है, किस कॉलेज में आप सभी को एडमिशन मिला हुआ है, उस कॉलेज का नाम देखने को मिल रहेगा और रिपोर्टिंग टाइम भी उसमें देखने को मिल रहेगा। उस टाइम में आप सबको कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना है और आप सबको कॉलेज में जाकर के 3,000 रुपये का पेमेंट भी करना होगा। सो इस प्रकार से आप सभी लोग बिहार बीएड का जो भी काउंसिलिंग प्रोसेस है वो कर सकते हैं। आई होप कि मेरा द्वारा बताई जानकारी आप सभी लोग समझ पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि आप लोगों का किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।